की डीसी न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर दो बड़े सड़क हादसे, 11 से अधिक लोग घायल। बीजेपी की ओर से लोकसभा प्रत्याशी घोषित राहुल सिंह लोधी को बनाया गया प्रत्याशी, समर्थकों में भारी खुशी। जिले भर में आयोजित किए गए जन संवाद कार्यक्रम। पैदल जा रहे युवक को मारी अज्ञात वाहन ने टक्कर, दर्दनाक मौत। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, जिसके द्वारा राहुल सिंह लोधी पर एक बार पुनः विश्वास जताकर उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दमोह से राहुल सिंह लोधी को लोकसभा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद सर्वप्रथम भगवान श्री जागेश्वरनाथ धाम पहुंचे, जहां पर भगवान भोलेनाथ के उनके द्वारा दर्शन किए गए, माँ पार्वती के दर्शन किए गए, सभी से आशीर्वाद लिया गया, स्थानीय लोगों से चर्चा की और उसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पहुंचे। यहां पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनके द्वारा फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया, मुँह मीठा कराया गया। बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पर मौजूद थे, लगातार लोग सेल्फी भी ले रहे थे। दमोह से लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राहुल सिंह लोधी पर एक बार पुनः विश्वास जताया गया है। राहुल सिंह लोधी का कहना है कि माधकपुर कॉरिडोर हो या फिर अन्य जो मुख्य मुद्दे थे, तमाम मुद्दों को लेकर वे काम करेंगे। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि इस बार जीत का अंतर क्या होगा, तो उनका कहना है कि अब की बार 400 पर 4 लाख से अधिक से जीत का उनके द्वारा दावा भी किया गया है। आइए सुनते हैं सीधे क्या कहना है राहुल लोधी का। दमोह संसदीय सीट के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता पोलिंग एजेंट से लेके मंडल के अध्यक्ष और जिले के पदाधिकारीगण और हमारे जिले के ऊर्जावान जिले के अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम जी के नेतृत्व में हम लोग चारों विधानसभाएं जीते। उसके बाद हमारे यहाँ के वर्तमान के चारों विधायक और पूर्व विधायक और हमारे माननीय सांसद प्रहलाद जी और उसके बाद प्रदेश के हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय वीर राय साहब जी, आदरणीय हितानंद जी, मुख्यमंत्री जी, शिवराज जी और दिल्ली के हमारे शीर्ष नेतृत्व सभी का मैं हाथ जोड़ के वंदन और अभिनंदन करता हूँ और उनके चरण छू के उनको नमन करता हूँ। सबको एक एक कार्यकर्ता की मेहनत और अथक प्रयासों से और उनके ही मत से या उनके सुझाव से आज यह स्थिति हुई है कि दमोह लोकसभा सीट से मुझे प्रत्याशी चुना गया है। और आपके माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता की जो मंशा है, जिस हिसाब से मुझे आज टिकट दी है, उनकी इच्छाओं पे, उनके सम्मान पे मैं अगले 5 वर्ष खड़ा उतरूंगा। देखिए ये मेरे संकल्प की 7वीं यात्रा थी। अभी 15 दिन पहले मैंने संकल्प की 7वीं यात्रा की थी और दमोह लोकसभा भी 7 नंबर है। तो जब यात्रा 7वीं थी और लोकसभा 7 थी तो ये तय था कि माई नर्मदा और भोलेनाथ इस संकल्प को पूर्ण करेंगे। इसलिए जब 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो हम सीधे उन्हीं के दरबार चले गए कि प्रभु तेरा तुझ पे अर्पण, जैसे तूने विधायक बनाया था, आप सांसद के लिए अर्जी लगी थी पहुंचा दे दिल्ली, तो प्रभु ने ये कामना सुनी और जो भी हो सकेगा बांदकपुर के लिए पहले से भी हम करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। और पूर्व में विधानसभा के चुनाव में कॉरिडोर बनने की जो घोषणा थी उसको संकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोग पूर्ण करेंगे। देखिए अभी तत्काल टिकट मिली है और अभी मुझे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सभी यहाँ जाना है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा चीजें सामने आएंगी, अपन आपसे मिलते रहेंगे, चर्चा करेंगे। आप सभी का पुनः बहुत धन्यवाद।
मैं हाथ जोड़ के मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ तक पहुँचने में पिछले 5 वर्षों में आप लोगों की भी बहुत अहम भूमिका रही। एक बार पुनः गत चुनाव 3.5 लाख से अधिक भारतीय जनता पार्टी जीती थी, क्या स्थिति रहेगी इस बार की? अब की बार 400 पार का नारा है तो मोदी जी के संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी दमोह संसदीय सीट का पूरा कार्यकर्ता 4 लाख से ऊपर अब ये तय करेंगे, कार्यकर्ता करेंगे और प्रचंड जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी का नाम, मोदी जी के काम, उन्हीं को लेकर हम अब जनता के बीच में जाएंगे। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर जहां सुबह एक बस पलटी थी, वहीं शाम के समय नोहटा थाना अंतर्गत एक और बड़ी वाहन दुर्घटना सामने आई जहां पर ट्रक चालक ट्रक पर नियंत्रण नहीं रख पाया और वह सीधे जाकर बोलेरो से टकरा गया। बताया जाता है कि मोड़ पर यह एक्सीडेंट हुआ है, बोलेरो ट्रक की भिड़ंत हुई है जिसके बाद बोलेरो में बैठे लगभग 6 से अधिक लोगों को गंभीर चोटें आई हैं जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें तत्काल ही दमोह जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ा हादसा हुआ है, ट्रक ने बोलेरो में टक्कर मारी है। क्या कहते हैं स्थानीय लोग भाई? क्या नाम है आपका? सीताराम रेकवार। क्या घटना हुई है? एक्सीडेंट। कैसे हुआ है? ये मोड़ पे हुआ है ट्रक और बोलेरो का। अच्छा, किस किस को चोट आई है? 5 जन को आया, छोटे छोटे, छोटा एक बच्चा है, 4-5 जन बड़े बड़े भी। मामले की जानकारी लगते ही तत्काल ही नोएडा थाने का स्टाफ मौके पर पहुंच गया। आप देख सकते हैं कि वाहन की स्थिति क्या है, किस तरह से बोलेरो और ट्रक की टक्कर हुई है, इसमें बैठे लोगों को कितनी चोटें आई होगी, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। पुलिस के द्वारा मौके से भाग रहे आरोपी चालक को पकड़ लिया गया है, घायल जिला अस्पताल पहुंचे जहाँ उनको उपचार किया जा रहा है। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं जिनका उपचार लगातार किया जा रहा है। बताया जाता है एक शिक्षिका है जो कि बनवार में पदस्थ है, इसके अलावा एक सोनू रेकवार नाम का व्यक्ति भी घायल हुआ। बताया जाता है कि बनवार से ये हटा जा रहे थे, बीच रास्ते में ये एक्सीडेंट हुआ है, कुछ लोग हटा निवासी भी बताए जा रहे हैं। दमोह जिले में अनेक स्थानों पर तेज आंधी तूफान के साथ ओले गिर रहे हैं, जहाँ तेज बारिश हो रही है तो वही ओले के गिरने के साथ ही किसानों की चिंता बढ़ जाती है। अभी फसल पकने वाली है, जल्दी ये फसल कटने वाली भी थी, ऐसे में लगातार ओलावृष्टि की खबरें आ रही हैं जिसके चलते किसान काफ़ी परेशान है। वैसे भी कई फसलें बर्बाद हो चुकी हैं जिन्हें लेकर कलेक्ट्रेट किसान पहुंच रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं और एक बार पुनः ओलावृष्टि हो रही है, ऐसे में फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, अचानक से मौसम ने फिर से करवट ले ली है, अब लगातार बारिश हो रही है, वहीं ओलावृष्टि भी हो रही है। दिन में तेज धूप हो जाती है, वहीं शाम के समय अचानक से मौसम तब्दील हो जाता है और उसके बाद लगातार बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है। लोग जहां ठंड से रात्रि के समय परेशान हैं, वहीं बारिश और ओले से किसान भी परेशान हैं। जिले में अनेक स्थानों पर ओलावृष्टि की खबरें हैं। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज़ दबो। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में महा आरती का आयोजन होता है। माँ भगवती की आरती होती है, गुरुवर की आरती होती है। आज जवेरा में ये महा आरती संपन्न हुई जिसमें काफी बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी गई। और इसी तरह की बात इन्होंने कोड़ल गांव में कही, उस कोड़ल गांव में कही जहाँ घर घर शराब बनाई जाती, कच्ची शराब बनाई जाती है। कहने के अधिकारी उनको पता नहीं किस गांव में शराब बनाई जा रही है। इनके कार्यकर्ता तो हर गांव में कार्यकर्ता है, अधिक संख्या में कार्यकर्ता है, इनको सब पता है उस गाँव में शराब बनाई जा रही है। और जिस गाँव में शराब बनाई जा रही है उस गाँव में चत्तवान बनने की बात कहना शोभा नहीं देता है। ऐसी बात कहना आपके लिए अशोभ नहीं है। आपको सोचना चाहिए कि हम कैसी बात कर रहे हैं। हम अगर उस गांव में शराब नहीं बंद करवा सकते, उस गांव में शराब नहीं बंद, अगर शराब को बंद नहीं करवा सकते हैं तो वहाँ के लोग, वहाँ के युवा कैसे चेतनावान चेतनावान बनेंगे? आपने बड़े सुंदर उदाहरण दिए, लोग प्रसन्न हो गए। बाली ने, भगवान राम ने कहा वाले से, मैं वैरी सुख नहीं हूँ प्यारा, काल कवन कोई नाथ नहीं मारा। इस तरह की बातें की इन्होंने, बड़ी अच्छी कथा सुनाई। तो भगवान क्या कहते हैं, भगनीश क्या कहते, मुझे चौपाई याद नहीं कि आप छोटी बहन का ऐसा कुछ है, कोई चौपाई है वो याद नहीं आ रही। इस तरह की इन्हें चौपाई कही, इनको इनको अगर कोई भुलौता है, कोई ताता है, बुरी नजर की तरफ देखता है तो पाता को पाप का भागीदार होता है। हाँ, अनुज वधु भगनीश सुत नारी तिनाय विलोकत पातक भारी, इस तरह की चौपाई नहीं कही। तो अगर वो शराब का सेवन करेंगे तो उनको तो कहां किसी की भाई बहन दिखेगी, किसी को मां दिखेगी,
वो तो अगर शराब अंदर जाती है तो उनको सिर्फ हिंसा के लिए नहीं देखता लोगों को। तो सबसे पहले तो मैं निवेदन आपसे यही करना चाहता हूँ कि अगर अपने आप अपने क्षेत्र को क्षेत्र के विभाग को चेतनावान चरित्रवान बनाना चाहते हैं, भगवान राम के आदर्शों पर चलना बनाना चाहते हैं, तो जब क्षेत्र से अगर शराब को बंद करवा दीजिए तभी हमारे युवा परिवर्तन होगा, तभी समाज परिवर्तन होगा। द्वार के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, फिर भी आप समाज में जाकर रामायण की चौपाइयां सुनाकर समाज को बोलना चाहते हैं। ये भोली वाली समाज कब तक ठगते रहोगे, कब तक समाज को बरगलाते रहोगे? एक ना एक समय आएगा इस समाज जागृत हो जाएगी। रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, रामायण पर चलने की जरूरत है। जब सीता जी का हरण हुआ तो रावण ने हरण किया, रावण भगवान था, राजा था लंका का। जब सीता जी का हर करके निकल रहा था तो वहां पर कितने जटायु की नजर पड़ गई, कितने जटायु पक्षी था, उसको मालूम था कि रावण भगवान है, वीर है, मगर एक पक्षी ने रावण का विरोध किया और रावण से लड़ गया। आज उसी पक्षी का स्टैचू अयोध्या में लगाया गया। तो जो हमारे डॉक्टर साहब ने बात कही कि हम भी बातों को प्रजोर से रखें, चुनाव हार जाना कोई गलत बात नहीं है, चुनाव हार गए अपने मनोबल को कमजोर ना करें। ग्रेजुएशन करने में कम से कम 12-15 साल लगते हैं। हम ये बात मान के चल रहे हैं कि अभी हम केजी वन में है, अभी हमारा ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है, तो हम अभी केजी वन से ही आगे बढ़ रहे हैं। हम बिगड़े हुए लोग थे, हम समाज में गलत काम किया करते थे, बिना भेदभाव किए संबंध बना करके चलने की आवश्यकता है। तब ही हम अपने पूज गुरुवर के उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचा सकते हैं, जन जन के हृदय में स्थापित कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता है, परिवर्तन तभी होगा जब हम में परिवर्तन होगा। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, तो हमें बदलने की आवश्यकता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाओ। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर प्रतिदिन वाहन दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं, एक के बाद एक बड़ी वाहन दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। आज तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जाता है ये बस जबलपुर से दमोह आने वाली थी, लोक सेवा कंपनी की ये बस थी। लगभग 35 से 36 लोग इसमें बैठे हुए थे। इस बस के द्वारा जैसे ही दमोह की सीमा में प्रवेश किया गया, अचानक बीच सड़क पर ये बस जो थी वह पलट गई। मामले की जानकारी जहां कटंगी पुलिस को लगी तो वहीं जबेरा एवं सिग्रामपुर पुलिस को भी लगी। कटंगी पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं सिग्रामपुर चौकी प्रभारी आलोक त्रिपुड़े अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया, सुरक्षित उन्हें बाहर निकाला गया, यात्रियों को निजी वाहनों से रवाना कराया गया। वहीं 4 लोगों को मामूली चोटें आई थी जिन्हें कटंगी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। जैसे ही बस पलटने की जानकारी लगी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा काफ़ी मदद की गई, स्थानीय समाज सेवियों के द्वारा काफ़ी मदद की गई। सुबह की ये घटना थी, बताया जाता है 9-10 बजे की ये घटना है तब ये बस पलटी है, और इसी बीच काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा जानकारी लगने के साथ ही लोगों की मदद की गई, घायलों की मदद की गई। पुलिस मौके पर पहुंची थी, पुलिस के द्वारा घायलों को निजी वाहनों से रवाना कराया गया, उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया गया, अस्पताल में उनको पहुँचा। कहाँ निकला भैया? से आज बस में सवार थे तो कैसे गाड़ी पलट गई? तेज गति थी, तेज गति के कारण ब्रेक फेल या स्टीयरिंग फेल, क्या हुआ? ठीक है।
एक बस है, ये देख रहे हैं आप, जबलपुर से दमोह जा रही थी। ये लोक सेवा बस है, एंट्री क्वालिटी की है, 0357, जो लगभग 10 बजे की बात है। रोड से ट्रक की क्रॉसिंग के समय पलट गई, उसमें लगभग 30-40 लोग सवार थे। एक महिला को थोड़ी सी चोट है और हल्की फुल्की चोट 2-3 लोगों को और है। इस प्रकार का हादसा मिलने की सूचना मिलने पर तत्काल ही पुलिस, जमेरा पुलिस, कटंगी पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई थी। मौके पर आला अधिकारी भी आए और राजस्व के अधिकारी भी आए, जिन्होंने तत्काल इसको लोगों को आगे गंतव्य के लिए रवाना किया है। इसमें कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। समय रहते पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जहां समय पर उपचार मिल गया, तो वहीं यात्रियों को दूसरी बसों से, निजी वाहनों से रवाना भी किया गया। लेकिन लगातार इस तरह के हादसे दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर हो रहे हैं। जबेरा से बैंकचंद और सिग्रामपुर से निवेश जैन की रिपोर्ट। दमोनगर कोतवाली में पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दमोह पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी स्वयं यहाँ पर मौजूद रहे। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में विभिन्न समाजों के लोग आए थे, जिनके द्वारा अपने सुझाव रखे गए। ट्रैफिक हो या फिर अन्य व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर लोगों के द्वारा अपने सुझाव रखे गए। इस तरह से उपस्थित लोगों के द्वारा यहाँ पर संबोधित किया गया, आइए आपको सुनाते हैं। सारे सोशल मीडिया के इसमें अपने फोटोग्राफ्स का बहुत ध्यान रखें। जनरली क्या होता है कि इसमें एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है कि केवल आपके फ्रेंड्स या आपके जो जुड़े हुए, जो आप जिनको आपने फ्रेंड जिनकी एक्सेप्ट हुई है, वही आपके फोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन इसका ज्ञान न होने की वजह से क्या होता है कि उस प्राइवेसी पॉलिसी में आप पब्लिक क्लिक कर देते हो, तो वो पब्लिक को एक्सपोज हो जाती है आपकी सारी फोटोज और ये सारी चीजें। उसके बाद हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं बच्चियों के, बेचारी बेटियों के, कि उनका वो मिस यूज कर रहा हो फोटोग्राफ का, कोई अननोन आदमी है। अब उनका क्या है कि हम लोगों की समस्या क्या है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब इनकी, ये इतनी बड़ी एजेंसीज हैं, करोड़ों यूजर्स हैं इनके, उनको एक केस दमों का देखने की फुर्सत नहीं है। वो उस आईडी को हमको डिस्क्लोज करने में सालों लगा देते हैं और ऐसा हो रहा है। यहाँ पे कई बच्चियां बड़ी परेशान हो रही हैं, वो अकाउंट नहीं बंद करा पा रहे हम उनपे, जो जिस अकाउंट से उन्होंने उनकी वायरल की हुई है फोटोज, और उसको और बिगाड़ की फोटोज डाली हुई है। तो हम खासतौर से बच्चों के लिए, बच्चों के लिए भी है, अपने लिए भी है, लेकिन खासतौर से बच्चियां बहुत परेशान हो रही है। तो जरूर इस बात को थोड़ा अवेयर करें सबको, इसके लिए हो रहे हैं आजकल, काफी पब्लिक उसका शिकार हो रही है। तो वो एडवाइजरी हमने अभी कई ग्रुप में डाली थी, मीडिया ग्रुप में, मीडिया ने उसको छापा भी है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि ये इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। मीडिया वाले भी जो हमारे बीच है, उनसे भी अनुरोध है कि जो जिस ग्रुप में डाला है उसको मैक्सिमम ग्रुप्स में कवर करें, अपने न्यूज चैनल्स वगैरह पे दिखाएं और लोकल अखबार वगैरह में दिखाएं, बताएं इनको, तो वो उससे काफी मदद मिलेगी आजकल। मतलब मैं अपने यहाँ पे जो साइबर है वो 90% इसी काम में बिजी रहता है। रोज हमारे पास 5-10 लोग ऐसे आते हैं कि साहब हमारा अपना पैसा निकल गया, हमारा ये हो गया, जबकि इतनी अवेयरनेस अब होती जा रही है। उसके बाद भी नए नए तरीके ये लोग ईजाद करते जा रहे हैं, तो हम लोग एक बहुत पूरी डिटेल उन्होंने दी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा आज पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों को बांदकपुर पहुंचाया गया। उनके द्वारा संपूर्ण परिसर का जहां भ्रमण किया गया, वहीं यहां पर आगामी समय में जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसकी तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। यहां आने वाले जो भक्तजन, उन्हें अधिक से अधिक सुविधा मिल सके, यहाँ पर चक्का जाम न हो, साथ ही कम से कम समय में श्रद्धालुओं को दर्शन हो सके भगवान जागेश्वरनाथ के, तमाम विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। मंदिर समिति के सदस्य मौजूद थे, वहीं मंत्री धर्मेंद्र लोधी के भाई भी मौजूद थे। यहाँ पर तमाम लोगों के द्वारा चर्चा की गई। हालांकि ये प्रारंभिक चरण है, इसके बाद अनेक दौर की वार्ता होगी, उसके बाद
यहां पर नक्शे को फाइनल किया जाएगा, काम के संबंध में चर्चाएं की जाएंगी। किस तरह से यह चर्चा हुई है, क्या उपस्थित लोगों का कहना है, अधिकारियों का क्या कहना है, यह भी हम आपको दिखाते हैं। खुशी की बात हमें यह हुई है कि मंदिर समिति ने बहुत काम करके पहले से रखा हुआ है, जिसके आधार पर पर्यटन विभाग अपनी अपनी विचारधारा को, अपनी विजन को, मैडम हमारी आर्किटेक्ट मैडम है, इसको बहुत आगे ले जा सकती है। इनका बेसिक थॉट तो मौजूद है ही, इसको हमें बस एक सजाना है, इसको बड़ा करना है, एक्सपांड करना है। आने वाले समय में चूंकि यहाँ 5 गुना पर्यटक बढ़ेंगे, वो सब सेट करना है। बेसिक काम मंदिर समिति का सभी की तरफ से स्वागत है, आभार है कि इतना काम उन्होंने पहले करके रखा। आपकी भावनाएं मंदिर के प्रति जो है, आपकी कर्तव्य निष्ठा है, उस सबको पर्यटन विभाग सलाम करता है। सर, मैं श्रुति पुरोहित, आर्किटेक्ट अर्बन प्लानर, 9 स्पेस आर्किटेक्ट इंदौर से हूँ। और मेरा परम भाग्य है कि हम लोग भगवान शिव के आशीर्वाद से यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को करने के लिए आए हैं। और मैं ऐसा समझती हूँ कि माननीय मंत्री जी और आप यहाँ की जो कमेटी है और पर्यटन विभाग का जो इसमें गाइडेंस है, तो इससे एक बहुत ही अच्छा यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छा सेंटर बन के तैयार होगा। और ये एक धार्मिक आस्था के एक नए केंद्र के रूप में बुंदेलखंड को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि हम सब की उन्हें पुकार सुनी। बुंदेलखंड क्षेत्र में जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जितने अधिकारी यहाँ आए हैं, सबकी एक इच्छा थी कि क्षेत्र का ऐसा विकास हो कि सारी दुनिया में बांदापुर के नाम से जाना जाए। तो आज हम लोग को विश्वास हो गया, भगवान भोलेनाथ जी ने हम लोग सबकी प्रार्थना सुन ली। और ये कोइंसिडेंट नहीं, पूर्व निर्धारित है कि दीप भाई साहब आए हैं, मैडम आई हैं, ये कहीं ना कहीं दमोह से जो लोग जुड़े रहे हैं, जो लोग यहाँ साहब आए हैं, जो उच्छा क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, तो ये लोग सब भगवान की प्रेरणा से आए हैं। और हम लोग को विश्वास है कि आगामी 1-2 साल में स्वरूप देखने मिल जाएगा तुमको। संजय सरवरिया, लखी डीसी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में आज संकल्प पत्र को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। दमोह विधायक जयंत मलैया के द्वारा इस बैठक को संबोधित किया गया। सभी से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। लोकसभा के जो चुनाव होने, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया जाएगा, उसकी तैयारी की जा रही है। आम जनमानस से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। विभिन्न ऐप एवं कई तरीके से इन सुझावों को पार्टी तक पहुँचाया जा सकता है। इस अवसर पर जयंत मलैया ने अपनी बात रखी। पीछे जब हमारे विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब भी हम लोगों ने किया था, मैं उसका संयोजक था और प्रभात झा जी और हम लोगों ने प्रदेश के 10 संभाग में लाया, अलग अलग जगह, छात्रों से, मजदूरों से, सबसे जिससे भी बात, मैं महिलाओं से है, टीचर से है, डॉक्टर से है, क्रिकेट से, सब लोगों से इसी तरीके से बातचीत की, के जगह बैठके भी की और इसी तरीके से हम लोगों ने सुझाव दिए थे। और सुझाव को लेकर इकट्ठे करने के बाद जब अलग अलग दिनों से संभाल में होकर प्रदेश में आए, उनको संकलित किया गया। उसी तरीके से हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। अब आप लोगों को कुछ पूछना हो तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में बिल्कुल अभूतपूर्व चुके हैं। संकल्प पत्र किस प्रकार का संकल्प पत्र बनना है, क्या योजना है? संकल्प पत्र जैसे हम घोषणा पत्र कहते हैं, पार्टी पहले बना लेती थी, लमन जी ने बहुत विस्तार से बताया। पिछले बार हम लोगों ने जब संकल्प पत्र बनाया, उसका मैं संयोजक था, वो पूरे प्रदेश के हर संभाग में गए, जा जा के लोगों से मिले, बातचीत की, सुझाव लिए, अलग अलग जगह की मीटिंगें भी की। और इस तरीके से जब वो सुझाव आ गए, उनको कंपाइल किया और अपना संकल्प पत्र बनाया। इसी तरीके से राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, चूँकि लोकसभा का चुनाव है, ये किया जा रहा है। और उसी के लिए ये बताया कि इस तरीके से लोग सुझाव ले रहे हैं, लोग चाहें तो अपना पत्र के द्वारा या जो नंबर दिया है मिस कॉल करके उस पर अपना सुझाव दे सकते हैं। लोकसभा क्षेत्र में अनेक जगह गाड़ी जाने की और पत्र की पेटी भेजने की भी योजना है क्या? हाँ, इस प्रकार की योजना अभी है। कल से 2 गाड़ियां हैं, दोनों लोकसभा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, पार्टी के कार्यकर्ता भी जाएंगे, इसको लेके अलग अलग जगह बातचीत करेंगे और लोगों से सुझाव मांगेंगे। कब से कब तक चलेगा ये अभियान? जैसे बताया इन्होंने, 4 तारीख से लेके 15 अप्रैल तक चलेगा। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़।
तनहो। दमोह जिले के रजपुरा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पर सातपुर चौकी के पास एक युवक पैदल जा रहा था। 32 वर्षीय युवक पैदल जा रहा था जिसका नाम बिहारी चिड़ार, पिता धनीराम, उम्र 32 साल है, जिसको अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसके बाद तत्काल ही उसे चाचा सेमरा थाना बक्सवा से पटियागढ़ लाया गया जहां पर उसकी मौत हो गई। डॉक्टर नीलेश पटेल के द्वारा उसको चेक किया गया और बताया गया कि उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच भी लिया है। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? पायलट मनोज राजपूत, थाना रजपुरा, FRB 18। क्या घटना हुई? घटना ये थी कि FRB पे कॉल आया था कि एक व्यक्ति को अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक्सीडेंट हो गया है। तो हम लोग मौके पर पहुंचे तो घायल व्यक्ति को 100 अपने डायल 100 में लेकर और भाटा ये बटियागढ़ सामुदायिक हॉस्पिटल में छोड़ा। बटियागढ़ से अनु खान की रिपोर्ट। दमोह पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर संपूर्ण जिले में आज जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस थाना बटियागढ़ में थाना प्रभारी नेहा गोस्वामी के द्वारा इस जनसंवाद कार्यक्रम को आयोजित किया गया जिसमें जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। सभी के द्वारा अपने सुझाव एवं समस्याएं पुलिस के सामने रखी। थाना प्रभारी के द्वारा तमाम जो बातें थी उन्हें गंभीरता से नोट किया गया ताकि इन समस्याओं को हल कराया जा सके। इस अवसर पर पंडित नरेंद्र व्यास, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर नीलेश पटेल, डॉक्टर मकबूल खान, नरेंद्र कटारे सरपंच, कृष्ण कुमार तिवारी, कंवर मिश्र जनपद सदस्य, करण पटेल, अरविंद पटेल, बद्री विश्वकर्मा सहित स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। देखते हैं अभी दुकान पे बैठे रहते सुबह से, तो गरीब से गरीब आदमी थाने को ऐसा भगता आता है कि बिल्कुल जैसे जाके अब फांसी लगा देगा दूसरे वाले को। क्या है, अब वो भय पुलिस का नहीं है, मगर अधिकारियों को भी, खासकर पुलिस वालों को भी ये सोचना चाहिए कि आप लोग शासन के नुमाइंदे हैं, आप लोग कर्मचारी हैं, आप लोग पब्लिक की सेवा के लिए ही बने हैं और आपको वो करना पड़ेगा, वो करना चाहिए। जैसे कोई गलत काम है, अभी जो बातें बीच में आई हैं, किसी ने बोला कि अभी जैसे सट्टा का बोल रहे थे भाई साहब, तो गलत काम का आप लोगों को विरोध करना ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों को वेतन जो मिलता है जनता की सेवा का, ये समाज में जो ये घुन है, जैसे अवैध शराब की बात आई, अवैध शराब जो गांव-गांव बिक रही है, तो क्या आप लोगों को मालूम नहीं? मालूम है आपको। आप आज की मीटिंग के बाद अगली मीटिंग में ये शिकायतें जो आई हैं उनका आपको निराकरण करना ही होगा, अवैध काम ना हो, क्योंकि समाज को ये तोड़ने वाले हैं, समाज को ये कष्ट देने वाले हैं, समाज इसमें बर्बाद होती। अस्पताल पहुंचा दें तो उसकी जान अपन बचा सकते हैं, और साथ ही आप लोग भी ये ध्यान रखें कि आप लोग कभी भी जैसे सड़क पे आप जा रहे हैं गाड़ी, सब लोग टू व्हीलर आजकल सब सभी के पास हैं, घर में एक नहीं चार चार हैं, तो आप लोग हेलमेट का इस्तेमाल करें, हेलमेट से बहुत ज़्यादा बचाव है। एक बार मैं खुद गिरा था गाड़ी से, और मैं हेलमेट लगाए हुए था उस टाइम पे, और अगर हेलमेट नहीं लगाए होता तो मेरी जान भी जा सकती थी उस टाइम पे। तो आप लोग अवश्य हेलमेट लगाएं और इसकी आप लोग जागरूकता भी फैलाएं, और साथ में जितने भी सरकारी विभाग हैं उन सभी लोगों का आप लोग सहयोग करें ताकि हम लोग और अच्छे तरीके से काम कर पाएं। पुलिस मुख्यालय एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश निर्देशानुसार आज थाना बटियागढ़ क्षेत्र परिसर में पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बटियागढ़ क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक, गणमान्य प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि एवं चिकित्सा विभाग से अधिकारी, शिक्षा विभाग से अधिकारीगण उपस्थित हुए, जिसमें लोगों ने, गणमान्य नागरिकों ने, जनता के जो प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे उनके द्वारा अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को पुलिस के सामने रखा गया, पुलिस के द्वारा उनको उन समस्याओं को दूर करते हुए उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बटियागढ़ से अनु खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकुटा नगर भवन के सभागार में आगामी त्यौहार महाशिवरात्रि एवं माह रमजान जैसे त्योहारों को देखते हुए थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे के द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सभी धर्म जाति के लोग मौजूद थे। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश तहरिया, मनोज तिवारी एवं नगर के गणमान्य लोगों के साथ पार्षदगण भी मौजूद थे। थाना प्रभारी के द्वारा बैठक के संबंध में जानकारी दी गई और बताया गया कि आगामी त्यौहार महाशिवरात्रि एवं माह रमजान के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आहूत की गई है।
काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिए गए। सभी त्यौहार सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाए जाए, इस संबंध में सभी के द्वारा अपनी बात रखी गई। इस संबंध में थाना प्रभारी से चर्चा की, साथ ही यहाँ पर जनसंवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के पालन में आज कलाकोटा के नगर पालिका भवन में जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में कलाकोटा के जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु, सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए, जिसमें शहर की कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से करने के लिए, इसके अलावा आगामी त्यौहार महाशिवरात्रि, होली, रमजान, इनको कैसे हम शांतिपूर्वक मना सके, इस बारे में चर्चा हुई और गणमान्य नागरों के लोग के आवश्यक सुझाव भी प्राप्त हुई और इस पर चर्चा हुई। तो पूर्व की भांति भी इस वर्ष भी सभी त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने जाने का प्रस्ताव इसमें सब लोगों ने सहमति दी है। सर, डीजे, हथियार, इसके अलावा चल समारोह में किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन और शासन द्वारा निर्धारित डेसिबल से अधिक डीजे को उपयोग करने और यातायात व्यवस्था प्रभावित न होने के संबंध में भी चर्चा की गई है और इसमें आयोजकों द्वारा भी शासन की गाइडलाइन के तहत कार्यक्रम मनाए जाने की मैं सहमति प्रदान की। सर, रमजान में मस्जिदों में क्या व्यवस्था है स्पीकर की? रमजान के त्यौहार में जैसे कि व्यवस्थाएं शासन द्वारा निर्धारित जो की गई हैं उसमें हम लोगों ने आवश्यक फिक्स पैकेट की व्यवस्था, त्यौहार के दिन लगाने की व्यवस्था की है और जैसे कि पूर्वी वर्षों में हम लोगों ने त्यौहार मनाया है, इस वर्ष भी वैसे ही त्यौहार मनाने का, शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने का प्रस्ताव सहमति सभी लोगों ने दी है। इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष हरिनारायण पटेल, पिंटू ठाकुर, सगीर कुरैशी, पार्षद अजय नेमंद जी चौहान, संजय कटीक, मुश्ताक खान, रज्जन लोधी सहित पत्रकार बंधुओं की उपस्थिति यहां पर देखी गई। कलाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। मामला पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन के जसवंतपुरा बीट का है, जहां पर एक चरवाहे पर टाइगर ने प्राणघातक हमला कर दिया। हमले में चरवाहा पन्नालाल, उम्र 45 वर्ष, निवासी जसवंतपुरा, गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार चरवाहा पन्नालाल अपने साथियों के साथ बकरियां चराने जंगल गया था, तभी अचानक से टाइगर ने उस पर हमला कर दिया। शोर मचाने पर टाइगर जंगल की ओर भाग गया। चरवाहे के सीने एवं सिर में काफ़ी गंभीर चोट थी। बीट गार्ड को जानकारी दी गई, तत्काल ही अमानगंज अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया। काफ़ी गंभीर चोट बताई गई है, घायल का इलाज लगातार किया गया, उसके बाद वह खतरे से बाहर बताया जा रहा। बकरिया चराने के लिए बकरी अंगारे अंगारे जाती थी, पीछे पीछे हम जाते थे। शेर दहाड़ा, हमने कि शेर दहाड़ रहा है, बार ना कर दे पीछे से। सो हम ऐसे भमे हैं, उतने में शेर ने हमारे ऊपर बार कर दिया, हम गिर गया। गिरे के बाद में भगवान ने हमको बचाया है। कहाँ चोट आई है, कैसे बार किया है? सीने पर चोट आई है, मुंह से बार किया है, सिर में चोट आई है। ऊपर की फार सर पे है, नीचे की फार सीने पे है। हाँ, कभी शेर देखा था आपने जीवन में? जी देखा था, लेकिन ऐसा शेर नहीं देखा था जैसा शेर हमसे टकरा गया था। हाँ सर, बहुत बड़ा शेर था। फिर कैसे बचे? गिर गया तो शेर ठाड़े ठाड़े हमारे बीच में करे रहो, ठाड़े ठाड़े पे शेर के जैसी कछुई समझ में आई हो निकल गया। फिर हमने अपने बच्चे को फोन लगाया, बच्चे गाड़ी लेके आया, तो हम जाकर भीड़ गार्ड के पास पहुँचे, चौकी मंजगाठा चौकी पहुँचे। वहाँ भीड़ गार्ड मिला के बोले, क्या हो गया पन्ना लाल तुमको? हमने कि सर, तुम्हारे टाइगर ने, शेर ने हमको बाहर कर दिया, उनने बैठा रो बैठाने के बाद हमको बस्ते आने वाले हो, उन्हें लेटा दिया पलका पे। उसके बाद उन्हें चौकी में जिप्सी बुलवा को अमानगंज ले गए, अमानगंज में उन्हें भर्ती कर दी। उसके बाद में दो दिन बाद पन्ना रेफर किया है।
मंगलवार को। दादा क्या हो गया इनको, क्या कैसे क्या घटना करते हैं? जी गई थी छिपियाँ चराने पन्नालाल, इन पे टाइगर ने बार किया, फिर वहाँ से इनके घर के आदमी लेवाल आए, उनने फ़ोन लगाया पन्नालाल ने, फिर जी यहाँ से इनने बीट गार्ड को बताया या अखिलेश को, फिर इनको अमानगंज में भर्ती किया, अमानगंज वालों ने रेफर कर दिया पन्ना के लिए, और इनको गंभीर चोटें आई हैं, इन पे खतरा भी हो, टाइगर आता रहता है बिक्रमपुर जसवंतपुरा, कई हमले भी किए, इसके सबूत भी हैं कई आदमी के पास। अच्छा, कोई मदद की है फॉरेस्ट के लोगों ने? कोई मदद नहीं की फॉरेस्ट वालों ने, फॉरेस्ट वाले कभी मदद नहीं करते, परेशान और करते हैं, अगर कुछ कहे उनसे तो कह देते कि आप देखो अपने हिसाब से। क्या नाम इनका? इनका नाम पन्नालाल आदिवासी। कहाँ के हैं? जी हैं तमगढ़ जसनपुरा पंचायत। क्या नाम आपका? मेरा नाम संतोष सिंह परिहार। पन्ना से प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। फिर से दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर दो बड़े सड़क हादसे, 11 से अधिक लोग घायल। बीजेपी की ओर से लोकसभा प्रत्याशी घोषित राहुल सिंह दोधी को बनाया गया प्रत्याशी, समर्थकों में भारी खुशी। जिले भर में आयोजित किए गए जन संवाद कार्यक्रम। पैदल जा रहे युवक को मारी अज्ञात वाहन ने टक्कर, दर्दनाक मौत। तो ये थे तक की कुछ खास खबरें, अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।